हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये आपकी अक्टूबर मंथ की प्रिडिक्शन है। आप इसे सन मून असेंडेंट किसी भी साइन से देख सकते हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आपका सन आ गया है। क्या हुआ एक्वेरियस, किस चीज में डूबे हुए हो आप? आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, आप खुश हैं। चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे आपका करियर, एक फुलफिलमेंट नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। अक्टूबर मंथ में या तो हो सकता है आप कुछ अचीव कर रहे हैं, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है और आप एक फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लोगों से थोड़े डिटैच नज़र आ रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, किसी चीज़ को लेके काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ में थोड़ा डाउट फील कर रहे हैं, इसीलिए सारी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों का हो सकता है जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, उनके लिए मंथ स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट को भी शो करता है। ओके, तो एक्वेरियस, ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि आपने लाइफ का एक फेज कंप्लीट किया है और एक न्यू फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट हो चुका है। आप किसी चीज़ में जजमेंट चाहते हैं और किसी पर्सन को लेके आप काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं, किसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये कोई न्यू एनर्जी नज़र आ रही है, कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहे हैं जिन्हें लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, पैशनेट हैं, या फिर कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है जो आपको देख रहा है, आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं जो किसी को पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है उनके बारे में, इसलिए आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, डाउट भी फील कर रहे हैं कुछ लेकर, आपको कुछ डाउट्स हैं, आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं बट आपको पता नहीं चल पा रहा है उस इंसान के बारे में, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स पर सरेंडर कर देने की ज़रूरत है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलिए, जो भी हो रहा है उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, ये एक डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है। अगर आप किसी पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या फिर किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये डिवाइन टाइमिंग में ही आपको पता चलेगा उनके बारे में, या अगर कोई डाउट है किसी को लेके तो उस चीज़ के बारे में आपको डिवाइन टाइमिंग में ही पता चलेगा। ओके, बॉटम मुझे देखने आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्हें आपने काफ़ी दिल से लगा के रखा हुआ है, किसी पर्सन पर आपका दिल अटक गया ऐसा लग रहा है, या फिर किसी करियर में आप काफ़ी रिजिड हो रहे हैं, किसी जॉब में या फिर किसी बिजनेस में आप काफ़ी पोजेसिवनेस नज़र आ रही है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, किसी को लेकर, किसी पर्सन को लेके आपकी दिल में काफ़ी लव है, आप काफ़ी दिल से लगा के रखा हुआ है किसी पर्सन को आपने, या फिर किसी करियर को। हो सकता है आप कुछ न्यू करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में या फिर अपने करियर में, जिसके लिए आप पहले काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को सोच रहे हैं और उसके बाद कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। कोई चीज़ आपकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आती हुई नज़र आ रही है या फिर आप किसी चीज़ की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किसी को आप या तो प्रपोज करना चाहते हैं या फिर कोई प्रपोजल आपकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। आप अपने पेंटिकल्स पर, अपने करियर पर काफ़ी फोकस्ड नज़र आ रहे हैं और करियर आपका अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है। किसी चीज़ को लेकर तो आप काफ़ी सोच रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई डाउट है माइंड में उस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, काफ़ी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आप अक्टूबर मंथ में किसी के बारे में। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
किसी को आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और उसके लिए वो काफ़ी सोच रहे हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने आपके साथ स्नीकीनेस दिखाई है, आपको बिट्रेल मिला है किसी से, और उसी चीज़ में आप अटके हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट के फेलियर्स को याद कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसे देख नहीं रहे हैं। यूनिवर्स जो आपको देना चाहती हैं आप उसे देख ही नहीं रहे हैं। आपके आसपास लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, या फिर करियर में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, किसी से बिट्रेल मिला है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आप उनको देख ही नहीं रहे हैं। आप पास्ट में स्टक नज़र आ रहे हैं, पास्ट के फेलियर्स में स्टक नज़र आ रहे हैं, बट किसी को लेकर आप काफ़ी पैशनेट हैं, किसी पर्सन पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी से आपकी बात स्टार्ट हो रही है और एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। लाइफ का एक फेज एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और एक न्यू फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है किसी से ब्रेकअप हुआ है और अब आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, या फिर आप किसी न्यू पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये कोई स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर कैंसर साइन के हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं, या फिर ये आपको पसंद कर रहे हैं। आप इनकी तरफ लीप ऑफ फेथ देना चाहते हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और इनर स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर। आप प्रपोज करना चाहते हैं इन्हें बट आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है इतनी उनसे बात करने की, उनकी तरफ बढ़ने की। आपकी, हो सकता है ये आपके ऑफिस में हो या फिर आपके साथ स्टडीज़ करते हो, क्योंकि आप इनके साथ कुछ लोगों के साथ ग्रुप में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके आसपास भी लोग नज़र आ रहे हैं और आप काफ़ी विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन पर्सन के लिए विश मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप इन पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप काफ़ी इन्जॉय करते हैं इनकी कंपनी, ऐसा लग रहा है। आप अपने पास्ट से निकल कर इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं और काफ़ी इमोशंस हैं आपको इनको लेकर, काफ़ी प्यार उमड़ रहा है आपके दिल में इनके लिए। प्लीज एंजल्स, ओ माय गॉड, शफलिंग के टाइम पे क्वीन ऑफ कप्स फिर से आया है, और पहले भी कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दिया था, तो किसी को लेकर तो आप काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, किसी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं आप, और आपसे अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और इतना इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये भी कार्ड ले लेती हूँ मैं। आपकी लव लाइफ में नज़र आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ट। आपने पॉज ले रखा है, एक ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं। ये कार्ड दोबारा नज़र आया है। आपकी लव लाइफ में आप थोड़े पॉज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है आपके, क्योंकि आपको, आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं पर उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। आप रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी पर्सन पर आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी प्रायोरिटी दी है किसी पर्सन को, फुलफिलमेंट देखते हैं आप उन पर्सन के साथ, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है बट सामने वाले पर्सन ने
आप में कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं और आप थोड़े निराश होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपसे बोला जा रहा है आपने जितने एफर्ट्स डालने थे इस रिलेशनशिप में आप डाल चुके हैं, अब आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में भी आ गया है 8 of Wands, तो बहुत जल्दी आपको इस चीज़ के रिजल्ट दिखेंगे जिस भी पर्सन के लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप में, काफ़ी किसी को कन्विंस करने की कोशिश की है बट सामने से कोई रिस्पांस इतना नहीं दिखाई दिया है आपको, तो बहुत जल्दी उनकी तरफ से भी रिस्पांस आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ भी चैरियट कार्ड था तो कुछ तो आपकी तरफ काफ़ी जल्दी आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है जो पर्सन आपको स्नीकीनेस दिखा के गए थे, बिट्रेल देखे गए थे, वही पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये भी हो सकता है। अब आपके करियर में देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ में जल्दी कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है और आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है आपकी आप इंगेजमेंट कर रहे हैं या कुछ पार्टी कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। ओके, आप एक करियर के लिए देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के करियर में क्या चल रहा है। करियर में तो अच्छा नज़र आ रहा है आपका, बट आप ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से निकल के बाहर जा रहे हैं। करियर में हो सकता है आपने किसी करियर में काफ़ी एफर्ट्स डाले थे, काफ़ी आपने किसी करियर को प्रायोरिटी दी थी, काफ़ी इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, हो सकता है करियर में, हो सकता है आपने, बट उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं और आप उससे निकल रहे हैं और सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके पास है उसे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों को थोड़ा डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी करियर में अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छे पैसे आ रहे हैं और आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स, तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ये यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है। ओह माय गॉड, ये आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकती है, या तो आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं या फिर कोई आपको प्रपोज कर रहा है और ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है। हो सकता है जिस भी पर्सन को आप पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करते हैं और काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार है इनके दिल में आपके लिए, और आप या फिर आप हो सकते हैं वो पर्सन जिनका दिल इन पर आ रखा है और आपको काफ़ी पसंद है ये पर्सन और आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं। ये स्कॉर्पियो पाइसिस एंड कैंसर साइन के हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल पर्सन नज़र आ रहे हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, तो पैसों की तो कमी नज़र नहीं आ रही है, अच्छा चल रहा है आपका करियर। पेज ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, वाओ ये दोबारा से कार्ड नज़र आ गए हैं। किसी को लेकर तो आप काफ़ी लव फील कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको देख रहे हैं, हो सकता है स्टॉक भी कर रहे हैं उनको लेकर और उनकी तरफ जाना चाहते हैं। बहुत जल्दी आप ऐसा लग रहा है उनको प्रपोज करना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कन्फ्यूजन इसलिए आ रही है, इसलिए हो रहे हैं आप परेशान। करियर में अच्छा नज़र आ रहा है, लव लाइफ में भी अच्छा नज़र आ रहा है बट थोड़ा आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, थोड़ी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। प्लीज़ एंजल्स, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या एडवाइस आ रही हैं, प्लीज़ एंजल्स कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस आ रही हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस दीजिए इनके लिए। ओ ओ ओ, ये कार्ड दोबारा टपक गया है। ये पहले भी आया था, हर्मिट। काफ़ी ओ माई गॉड, आपकी कार्ड द मून, यहाँ पर भी द मून आया था। कुछ तो ऐसा है जो आपसे छिपा हुआ है, कुछ हिडन है जो आपको पता नहीं है
और वही चीज़ आप जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं, किसी दो पर्सन में हो सकता है आप कन्फ्यूज हैं जिसको लेकर आप काफ़ी सोच रहे हैं। ये एक डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है। पहले भी मैंने बताया था कि ये जो भी चीज़ जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं ये एक डिवाइन टाइमिंग में ही आपको पता चलेगा और बहुत जल्दी ये चीज़ आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है या तो वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, या फिर किसी का प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है, या फिर करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। किसी चीज़ को लेकर तो आप काफ़ी डाउट में हैं, ये करियर में भी हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर डाउट में हैं या लव लाइफ में हैं, और उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, काफ़ी सोच रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। किसी से तो आपको हार्ट ब्रेक मिला है, किसी ने आपको हो सकता है बिट्रेल दिया है, आपको हर्ट किया है। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि क्या आपको करना है और जो भी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं वो आपके सामने आएंगी, ठीक है, बट डिवाइन टाइमिंग में ही आएंगी। एक्वेरियस, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनकी फ़ोटो है तो उनकी फ़ोटोज देखिए, देखते हैं उन पर्सन की तरफ से हो सकता है आपको कोई मैसेजेस मिल जाएं, यूनिवर्स आपकी तरफ कोई मैसेजेस भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन है मन में तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, देखते हैं आपको हो सकता है कोई जवाब मिल जाए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, किसी को माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है आपको। हो सकता है आपके पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और उनको माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। दिस कुड बी द वन, ओ हो सकता है यही आपके सोलमेट हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो आप लगता है काफ़ी कंट्रोल करते हैं अपने पर्सन को। ओके, फ्री योरसेल्फ एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। आपको अपनी आपको किसी चीज़ से फ्री करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है और जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है या फिर किसी भी चीज़ में आपको बिट्रेल मिला है, आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है और यही सोचना है कि और उससे कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड डील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ओके, जब आप अपने पास्ट को माफ़ करेंगे, पास्ट के पर्सन जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है उन्हें माफ़ करेंगे, तभी आपकी लाइफ में आपको और ज़्यादा लव करने वाले पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आपको फ्री करना है अपने आप को पास्ट की मेमोरीज से, पास्ट के बिट्रेल से, और उन पर्सन को माफ़ करना है। ओके, और हो सकता है जिस भी पर्सन के लिए आप पैशनेट हैं या फिर जिन पर्सन ने भी आपको बिट्रेल दिया है वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और हो सकता है वही आपके सोलमेट हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी डाउट का हो रहा था, तो हो सकता है आपके पर्सन से आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है और उनको जानने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है वही आपके सोलमेट हैं, और अगर किसी के पर्सन वापस आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो बदल चुके हैं और आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, और हो सकता है आपके कंट्रोल इश्यूज, आप उन्हें काफ़ी कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं उन्हें, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको अपने लेट गो करना है अपने कंट्रोल इश्यूज को। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में आया है रिकंसिलिएशन। हो सकता है आपके पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। देखा, मैंने यही बोला था अभी और यही कार्ड में भी शो हो गया है, तो एंजल्स भी यही बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है आपके पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपके पर्सन ऐसा बोलना चाह रहे हैं आपको।
कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग हैं, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं और आपको अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने पास्ट में स्टक हैं, तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपने पास्ट से अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो जिसमें आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिले नहीं हैं, बातचीत नहीं हुई है, तो वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, पास्ट में जो भी हुआ है उसको माफ़ करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स, और क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आपको कुंभ राशि एक्वेरियस को, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे प्लीज़ एंजल्स? ओके, ऑफिशियल पर्सन कंसर्न, कोई आपको लेके काफ़ी कंसर्न है, आपके फादर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका बैकग्राउंड थोड़ा डिफेंस से आता हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, ऐसी कुछ ऐसी जगह से आपकी बैकग्राउंड हो सकता है। हो सकता है आपके आपके घर में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लेके काफ़ी कंसर्न है, या फिर आप खुद भी हो सकते हो डिफेंस में। कोर्ट हाउस, कुछ हो सकता है, कुछ कोर्ट हाउस का कुछ सीन है आपकी लाइफ में, मैसेज आ सकता है किसी का, कंसर्न भी है। हाउस, हो सकता है आप हाउस लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, और या तो फिर घर को लेके कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, किसी की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है आपको। प्लीज़ एंजल्स एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स कुंभ राशि। ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मैंने बोला था ना आपको, बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको, यहाँ पर भी कार्ड आया था, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, ओके, आप हो सकता है आप काफ़ी सोच रहे हैं और हो सकता है आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। आप हो सकता है काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं आप। ओके, अंडरस्टैंड योर बॉडी, वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। आप हो सकता है काफ़ी हेडेक ले रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर भी परेशान होते हुए नज़र आ रहे थे, काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे थे, तो आपसे बोला जा रहा है आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी हेल्थ को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, अपने बॉडी को थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। अपनी वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन, आप काफ़ी किसी चीज़ को लेके काफ़ी वरीड नज़र आ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है ये एक वेस्टेड इमोशंस हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, जो भी आप सोच रहे हैं वही आपकी रियलिटी बन सकती है। लव इज़ योर एनर्जी, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको लोगों में लव बांटने की ज़रूरत है, क्योंकि लव एक एनर्जी है, अगर आप लोगों को लव बांटेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। लव ये नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को ही देना है, आप किसी को भी लव दे सकते हैं, बर्ड्स को, एनिमल्स को, डॉग्स को, उनको फीड करवा सकते हैं। ओके, और किसी लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा फील होगा। आपको लोगों का लव मिलेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, लोगों के लिए कुछ ऐसा कीजिए, या जानवरों के लिए कर सकते हैं, बर्ड्स के लिए कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है, आप किसी को लव देंगे तो आपको खुशी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आप अपने पेरेंट्स को भी लव दे सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को भी लव दे सकते हैं। ठीक है, और कोई लोग जो दुखी हैं, जो अपना गम बांटना चाहते हैं, उनके आप गम बांटो, उससे भी आपको अच्छा मिले, अच्छा लगेगा। ठीक है, आप किसी को खुशी दें तो आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो आपको उन लोगों को लव देने के लिए बोला जा रहा है जिनको आपके लव की ज़रूरत है। एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं प्लीज़। एंजल्स कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप एक्वेरियस कुंभ राशि एक्वेरियस को, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस को, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं प्लीज़ एंजल्स कुंभ राशि एक्वेरियस को, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके,
लुक फॉर अ साइन. आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला जा रहा है और आपको साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से. आपको उन साइंस को देखने की ज़रूरत है. हो सकता है आपको किसी टैरो रीडिंग में कुछ साइंस मिल जाएं, कुछ मूवी देख रहे हो आप उसमें आपको कुछ साइंस मिल जाएं, कोई बुक पढ़ रहे हो उसमें कोई साइंस मिल सकते हैं, आपके ड्रीम्स में आपको साइंस मिल सकते हैं. और रिपीटेड नंबर नज़र आ सकते हैं तो उसका मीनिंग आपको देखने की ज़रूरत है. गूगल में सर्च कर लीजिएगा और साइंस आपको मिलेंगे. कहीं से भी आपको साइंस मिल सकते हैं तो यूनिवर्स आपकी साइंस दे रहे हैं. आप जिस भी चीज़ में कंफ्यूज हैं उस चीज़ के लिए आपको साइंस मिल रहे हैं. आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और आपको समझ आएगा. जिस भी चीज़ में आप डाउट फील कर रहे हैं आपको उसकी रियलिटी पता चल जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. कुछ वीक्स में आपको कुछ हो सकता है पता चल जाए. जिस भी चीज़ को लेके आप डाउट कर रहे थे या फिर जिसके बारे में भी आप सोच रहे थे. नो, अगर आपने इस रीडिंग के बीच में कोई क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब है नो. और बॉटम ऑफ द डेक में आया है वेट. वेट करने की ज़रूरत है आपको क्योंकि यहाँ पर बताया था कि डिवाइन टाइमिंग है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा. तो यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए. ठीक है, ये एक डिवाइन टाइमिंग है आपकी. कहाँ गया वो कार्ड? मैंने सारे कार्ड्स खराब कर दिए. चलो नहीं दिख रहा बट पीछे रीडिंग में जाके देख लेना, वहाँ पे था, आया था आपके लिए कि डिवाइन टाइमिंग में होगा सब कुछ. और इस कार्ड के नीचे आया है बिग हैप्पी चेंजेस. तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं. क्लेम दिस वीडियो. ओके एक्वेरियस, आपको टेंशन नहीं लेनी है. यहाँ पे बोला जा रहा है आपको वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन. तो आपको वरीड नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग का नज़र आ रहा है सिचुएशन. तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में ही होगा और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ आपको पता चलता हुआ नज़र आ रहा है. हो सकता है जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी सोच रहे हैं, डाउट फील कर रहे हैं, उसकी रियलिटी आपको हो सकता है कुछ वीक्स में पता चल जाए. ओके, आई होप एक्वेरियस आपको इस वीडियो से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू एक्वेरियस.